घर देखो कितना बढ़िया है यार, कितना बड़ा घर है। अगर हमने ऐसा घर ओंटारियो में लेना हो ना, इतना बड़ा घर आराम से 1 मिलियन से लेकर 1.5 मिलियन तक मिलेगा हमें ओंटारियो में आराम से। कल राखी लेकर आए थे तो आज राखी बांधनी भी पड़ेगी। जरा टिक्का लगाते होंगे सिर से, वो मैं लियाना भुल गया। हूँ टिक्का कितों लैके आवा लगाने लिए? लाल मिर्च लगा लम या हल्दी ला लम? पापा का फोन आ गया। ना लिया, ये देखो मैं व्लॉग बना रहा हूँ, राखी बांधने लगा हूँ। ना ही मैं टिक्का लेके आया तो ना ही मैं कुछ मिठा लेके आया नाल खाने के लिए। अभी पहले जे टीका मिक्स कर ले। 3 साल हो गए, 3 सालों से मैं खुद अपने आप को राखी बांधता हूँ और क्या कर सकते हैं ना, मजबूरियाँ बंदे तो की कुछ नहीं करवाते। बांधली राखी। तो फिर भाई साहब बात ऐसी है कि ओह माय गॉड, राखी हमने बांध ली। फिर मैं भूल गया कि आज तो मैंने वेलकम भाई, वेलकम टू कंडा ब्लॉग्स ही नहीं कहा। वेलकम टू कंडा ब्लॉग्स, आप सबका स्वागत है कंडा ब्लॉग्स में। मेक श्योर जो नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो लाइक करियो, कमेंट करके दस्यो किधर लगी वीडियो। आपने देखा होगा कि पहले मैंने हुडी पहनी हुई थी क्योंकि मुझे लगा कि बाहर आज सर्दी होगी। आप मौसम देख रहे हो बाहर कितना वो ठंडा सा हुआ पड़ा है, लेकिन फिर इतनी गर्मी लगनी लग गई ना एकदम से, फिर मैंने चेंज करके टी शर्ट पहनी। तो ऐसे कनाडा का वेदर चेंज होता है एक एक सेकंड के बाद, एक एक सेकंड के बाद। अब देखो बाहर बारिश हो रही है, थोड़ी थोड़ी सी बारिश हो रही है। तो मैंने आज सोचा हुआ है कि मैं आपको कनाडा का कोई विलेज दिखाऊंगा, किसी गांव में लेकर जाऊंगा, कोई गांव दिखाऊंगा। पहले अब हम निकलते हैं घर से, फिर देखते हैं रास्ते में कोई अच्छा सा गाँव, तो फिर मैं आपको गाँव दिखाता हूँ कोई कनाडा का। आज बात ऐसी हुई कि मेरी गाड़ी में तेल था थोड़ा, तो मैंने सोचा 12 किलोमीटर ही रहते थे, मैंने सोचा पहले पहुंच जाऊं फिर डलवाता हूं। तो मैंने एक एग्जिट लिया और आगे जाकर रोड हो गया बंद, तो फिर मुझे ऊपर से घूमकर 5-7 किलोमीटर फिर जाना पड़ रहा है अब गैस स्टेशन पर। लेकिन तेल हो गया बिल्कुल ही ख़त्म, मतलब बिल्कुल ही ख़त्म थोड़ा सा ही है। तो अब जा रहा हूँ मैं, देखते हैं मैं भी पहुँच जाऊँ। फाइनली फाइनली, अगर एक दो किलोमीटर और आगे होता ना फिर तो बस आज तो लगी पड़ी थी भाई, आज तो ना मतलब तेल बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था। अगर 1-2 किलोमीटर और आगे होता ना फिर तो गाड़ी टो करवानी पड़ जाती, क्योंकि यहाँ पर तो कोई जानता भी नहीं है ना जो आकर तेल वगैरह पकड़ा जाए। नोवा स्कोशिया में, ओंटारियो में अगर हो फिर तो बात बन जाती है, लेकिन यहाँ पर तो कोई नहीं जानता। तो अभी पहले तेल डलवाता हूँ। ये देखो जो तेल के प्राइस है 95 सेंट्स हो गया, जो नॉर्मल है मतलब सबसे नीचे वाला होता है वो वाला 95 सेंट्स पर लीटर। यहाँ पर 58 सेंट्स तक पहुँचा था तेल, अभी 95 सेंट्स का हो गया। $65 तेल पड़ा और $64 का। भाइयों इतना मस्त वेदर हुआ पड़ा है ना बाहर। अभी मैं ना अपने हैलिफैक्स से ऑलमोस्ट कुछ 50-60 किलोमीटर दूर आया हूँ एक गांव में, और इस गांव का नाम है एल्म्सडेल। तो क्यों ना इस गांव को एक्सप्लोर किया जाए, देखा जाए इस गांव को कैसा गांव है। अभी मैं ना इस गांव के ऑलमोस्ट लास्ट पार्ट में ही हूँ, लास्ट मतलब पता नहीं इसके आगे भी होगा, लेकिन यहाँ पर मैं इस गांव के बीच में था। तो फिर मैं रुका यहाँ पर, एक अपार्टमेंट टाइप ये स्ट्रीट आगे जाकर ख़त्म हो जाती है। इस स्ट्रीट में मैं आया अंदर, तो ये देखिए मेरे पीछे अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं ना अपार्टमेंट्स बने हुए। मैंने मतलब सोचा नहीं था कि किसी गाँव में भी इतनी डेवलपमेंट हुई होगी। चलो घर तो होते ही हैं गाँव में, लेकिन इतने अच्छे घर होते हैं ये नहीं मुझे पता था। और
इन अपार्टमेंट्स के जो गार्बेज हैं, ये देखो यहाँ पर इन्होंने ये गार्बेज एक रखा हुआ है पूरा का पूरा। मे भी जब उनके वो गार्बेज वगैरह भर जाते हैं वो आकर यहाँ पर फेंक देते हैं। और बाकी अगर आगे हम चलते हैं, आगे जाकर देखते हैं, इस स्ट्रीट को घूमते हैं पूरी। और ये देखो ये कैनेडा पोस्ट जिनकी लेटर्स वगैरह आती हैं बिल्कुल अपार्टमेंट के सामने बने हुए हैं सभी के। जब कोई भी लेटर आती है इसमें डाल देते हैं, तो इसमें से हमें हमारे पास की होती है, की लगा कर अपना लेटर हम निकाल सकते हैं। दिस एरिया इज़ सो ब्यूटीफुल। मैं उधर था पहले, मैंने सोचा था बाहर निकल जाऊँ, लेकिन मैं इधर रास्ते में जाते जाते एक स्ट्रीट देखी और मैं रुक गया। देखो कितनी सुंदर स्ट्रीट मतलब बनी हुई है ना। हैलिफैक्स में सारे घर बहुत पुराने पुराने बने हुए हैं, ये ऐसे घर लग रहे हैं जैसे अभी नए बने हो थोड़ा टाइम पहले। और ये देखो इनके साथ गैराज भी है, दो 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 इनके साथ गैराज बने हुए हैं। हैलिफैक्स में जो घर हैं उनके साथ तो गैराज भी नहीं मिलते, सारे के सारे घर ऑलमोस्ट पुराने होते हैं। और ये एक गाँव है, छोटा सा गाँव, और उसके अंदर इतनी अच्छी स्ट्रीट होनी, इतना अच्छे घर होने ना, बहुत बड़ी बात है। ये देखो कितनी सुंदर स्ट्रीट बनी हुई है, मेरे पीछे लैंप्स देख रहे हो, एक एक घर के बाहर, अकेले अकेले घर के बाहर लैंप लगे हुए हैं, ऐसे स्ट्रीट लाइट्स इनको कह देते हैं, लेकिन घर के बाहर लैंप्स लगे हुए हैं इतने अच्छे अच्छे ना। और घर इतने सुंदर है ना, इतने ब्यूटीफुल घर है। अभी मैंने ये वायरलेस माइक लगाया क्योंकि मुझे लगा कि ये वाला सही रहेगा, हवा चल रही है ना बाहर, तो फिर ऐसे मैं आसपास अगर कैमरा भी कर लूँ तो फिर आवाज़ सही आएगी। तो फिर अभी अगर हम वहाँ पर था, मैं मुझे अभी इन घरों के प्राइसेस नहीं पता, लेकिन अगर मैं ट्राई करूँगा घर जाकर अगर गूगल पर इनके प्राइसेस निकाल सकूँ तो फिर आपको दिखाऊँगा। अगर हम इस गली से बाहर आए ना, ये देखो अगर हम इस गली में थे, अगर इससे बाहर आएँ तो फिर इस गली के एकदम एंड में यहाँ पर ये देखो इन्होंने कितनी अच्छी जगह बनाई हुई है, यहाँ पर हम बैठ सकते हैं। इन्होंने बैठने के लिए ये जगह बनाई हुई है और ये छत वगैरह की हुई है, ऊपर ये लाइट लगी हुई है, तो यहाँ पर बैठने के लिए ये बहुत बढ़िया जगह बनाई हुई है इन्होंने इस गांव में। और ये जो सामने रास्ता है ये देख रहे हो कितनी सारी वो वहाँ पर लाइट्स लगी हुई हैं, एक दो तीन चार, ये सारे लैंप लगे हुए हैं। पता नहीं वहाँ पर क्या है, जाकर देखते हैं क्या है वहाँ पर, यहाँ से चलते हैं। बहुत बढ़िया मतलब बहुत अच्छी स्ट्रीट लगी मुझे। अब इन घरों को देखकर लगता है कि नोवा स्कोशिया में बहुत डेवलपमेंट हो रही है। ये घर देख रहे हो आप कितने सुंदर सुंदर यहाँ पर बने हुए हैं। ये घर बहुत बड़ा घर है, ऐसे डबल स्टोरी घर होगा आई थिंक, लेकिन बहुत बड़ा घर है। ये देखो ये पीछे तक घर है ये पूरा का पूरा। यहाँ पर पता नहीं क्या है, जाकर देखते हैं। ये देखो कितने अच्छे यहाँ पर लैंप लगे हुए हैं, ये सारा जंगल है जंगल। घर देखो कितना बढ़िया है यार, कितना बड़ा घर है, ये बहुत अच्छा घर लग रहा है ये। आई थिंक अगर हमने ऐसा घर ओंटेरियो में लेना हो ना, इतना बड़ा घर आराम से 1 मिलियन से लेकर 1.5 मिलियन तक मिलेगा हमें ओंटेरियो में आराम से। यहाँ पर प्राइस चेक करेंगे कितना है, कुछ नहीं है बस ऐसे ही खाली है, जिदा अपने पंजाब दे विच बट्टो बट हुंदा आ रास्ता उदा इत्थे इह आ। ये देखो घर कितना बढ़िया बना हुआ है, जो पीछे बैकयार्ड देख रहे हो आप, कितने बड़े बड़े बैकयार्ड बने हुए हैं यहाँ पर। बैकयार्ड में आप आराम से क्या खेल सकते हो बच्चों के साथ अपने, या कुछ भी है ना। और ये घर, घर का साइज़ देखकर ही पता चल रहा है कि घर कितना बड़ा है, इसलिए मुझे ये घर बहुत बढ़िया लगा। सभी ये घर नए बने लग रहे हैं, जैसे 4-5 साल पहले ही बने हो या फिर उससे भी कम। और सबसे बढ़िया बात जो है ना मुझे यहाँ की लगी, ये जो रोड वगैरह बने हुए हैं, ये इनकी जो गली बनी हुई है, सड़क बनी हुई है, बहुत बड़ी सड़क है। इतनी बड़ी बड़ी सड़कें ब्रैम्पटन में होती हैं, जो ब्रैम्पटन में नए घर बनते हैं ना, वहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी सड़कें बनी होती हैं। यहाँ पर मैंने ये नोवा स्कोशिया में पहली बार देखी, और वो भी एक गाँव में। अभी तो हमने एक ही स्ट्रीट घूमी है यहाँ की, आगे चलते हैं, आगे जाकर देखते हैं क्या क्या है। तो अभी कनाडा में आपको वैसे पता ही होगा, किसी भी जगह जाना है तो मास्क ज़रूर चाहिए, इसलिए मैं अपने मास्क अपने बैग में रखता ही हूँ कि अगर कहीं मेरे पास ना हो, मैं घर से भूल जाऊँ तो मेरे बैग में पड़े हो, गाड़ी में पड़े हो। इसलिए अभी ये मास्क उठाया और पहले लगाते हैं। अभी आए हैं हम उधर से, मैं आ रहा था आगे को इस गाँव में, तो आके मैंने आकर देखा रास्ते में ये है फार्म मार्केट।
फार्म मार्केट मतलब मंडी टाइप जैसे होती है इंडिया में, मैं भी यहाँ पर सस्ता सामान लगाओ। अब फार्मर्स मार्केट में एज़ कम्पेयर टू सुपर स्टोर्स बहुत सस्ता सामान लगा होता है, लेकिन कुछ कुछ सारा नहीं और बहुत कुछ पड़ा होता है। जैसे कि ये देखिए ब्रोकली 144 की 1 LB एंड दीज ऑल आर फ्रेश वेजीज, और ये कॉर्न हो गया एंड ये गरम मसाले देख रहे हो, गरम मसाले नहीं हर एक मसाला ये फ्रेश मसाले हैं जो उन्होंने यहीं पर बनाकर रखे हुए हैं। बहुत सारी सब्जियाँ, हर एक सब्जी यहाँ पर पड़ी हुई थी, यहाँ तक कि बर्ड्स के सीड्स भी रखे हुए थे उनके खाने के लिए, और कुछ ऐसी बातें लिखी हुई थी जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा उन्होंने हैंडमेड सोप्स बनाकर यहाँ पर रखे हुए थे पूरे के पूरे प्योर। फिर मैंने सोचा अगर आया ही हूँ तो फिर खाली हाथ क्यों जाना। और आगे जैसे कि आप देख रहे हो 99 सेंट्स की उन्होंने आइसक्रीम लगाई हुई थी, वो भी एक कप, वो भी उन्होंने खुद बनाकर रखे हुए थे। तो अभी फार्म मार्केट के अंदर जाकर आया मैं, आपने भी देखा फार्म मार्केट मोस्टली जो अंदर सामान था ना वो फ्रेश वेजीज जैसे डायरेक्ट खेत से यहाँ पर आई है, और बाकी इन्होंने अपने आप खुद बनाई हुई थी। ये देखो जैसे इंडिया में नहीं कप मिला करते थे आइसक्रीम के, वैसे ये कप है 99 सेंट्स का बस, कनाडा के हिसाब से बहुत चीप है ये। और दूसरी बात बहुत कुछ आप जैसे आपने देखा उन्होंने हैंडमेड सोप बनाए हुए थे सारा कुछ, ऐसी फार्म मार्केट्स में भी हैलिफैक्स में भी होंगी, लेकिन मुझे नहीं पता। यहाँ गांव में रहने का यही फायदा है कि एक तो शांत प्लेस और दूसरी ऐसी चीजें मिल जाती है। चलो अब मैं इसे पहले खा लूं फिर बाकी आगे आकर देखते हैं आगे क्या क्या है। वो यहाँ पर मैं उधर से आ रहा था तो रास्ते में मैंने देखा ये देखो कैसे कितनी बढ़िया ये ना ओपन स्पेस बनाई हुई है, और एक रेस्टोरेंट ये उधर है और ये एक साइड इधर, इन्होंने ये क्या कहते हैं इसे यार वैन सी है ना, फूड वैन, हाँ फूड वैन यहाँ पर ये लगाई हुई है, और यहाँ पर ये टेबल्स रखे हुए हैं ऐसे बैठने के लिए ना, लोग यहाँ पर बैठ कर खाएँ पिएँ ऐश करें। तो बहुत बढ़िया मुझे लगी ये जगह। ये देखो अभी इस वक्त तो ये बंद है, लेकिन तो मैं अगर खुला होता तो आपकी बात करवाता, लेकिन ये जगह देखो कितनी बढ़िया है ना, कितना ओपन एरिया बनाया हुआ है। मे भी यहाँ पर और टेबल्स भी लगते हो, कोरोना वायरस के कारण उन्होंने बंद किए हुए हैं। और ये एक गांव सा है और ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा है, मैं यहाँ पर मैंने आपको ये पीछे घर दिखाया ना वहाँ से मैं ऑलमोस्ट 3-4 मिनट की ड्राइव पर ही यहाँ पर आया हूँ आगे, और आगे आकर ये आ गया। बहुत मस्त जगह लग रही है मुझे तो ये देखने में। अभी मैं वहाँ से आगे आया गांव के लाइक इस गांव के जरा लास्ट में, तो यहाँ पर आके मैंने देखा इतना बड़ा प्लाजा, ये मेरे पीछे देख रहे हो आप, इतना बड़ा प्लाजा मतलब मुझे लगता है ऑलमोस्ट सारा कुछ ही है इस प्लाजे में। टिम होटन, मैकडी, सबवे, पिटा पिट, मतलब वो सामने ग्रोसरी स्टोर, सोबेज, डोलरामा, कनेडियन टायर, रोना, यहाँ से वो मिलते हैं रोना मतलब वो बड़ा रोना नहीं, मतलब वहाँ से वो सब मिलता है, फर्नीचर वगैरह, यार्ड का सामान वगैरह ना, सारा कुछ ही है। ओहो और मेरे बाल। तो अभी यहाँ पर ना ऑलमोस्ट हर एक गांव में ऐसा होता है कि ऐसे ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह जो जरूरी जरूरी सामान होता है, टिम हो गया, मैकडी हो गया, यहाँ पर नॉर्मल है, तो फिर वो हर एक गाँव में होता ही है। सो दिस इज नेक्स्ट डे, कल मैं वापस आ गया था और मैंने आपको कहा था मैं घर जाकर चेक करूंगा प्राइसेस हाउसेस के, फिर आपको बताऊंगा कि वो हाउसेस कितने के कितने हैं। तो अभी मैं इंटरनेट पर चेक कर रहा हूँ, आप मेरे सामने देख सकते हो कितने के, आपको दिखाता हूँ मैं। वही वाली स्ट्रीट का नाम वगैरह निकाल कर ना फिर सर्च किया, एवरेज सेल प्राइस यू है $243,000 एंड एवरेज असेसमेंट $183,000, मतलब ऑलमोस्ट ज्यादा से ज्यादा इन्होंने एवरेज सेल प्राइस जो दिखाया हुआ है ना $2,50,000 के नीचे दिखाया हुआ है, और वो हाउसेस बहुत बड़े हाउसेस थे मतलब ब्रैम्पटन के हिसाब से। अगर मैं आपको बता दूं अगर आपने वो सेम हाउस ब्रैम्पटन में लेना हो ना आसानी से वो 1 मिलियन के ऊपर का मिलेगा, ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन तक का मिलेगा सेम हाउस। लेकिन बात ये है कि ब्रैम्पटन फुली डेवलप्ड एरिया, वन ऑफ द बेस्ट सिटीज इन द कनाडा में आता है, और ये जो घर था ये था एक गांव में, एक छोटे से एक कनाडा की छोटी सी प्रोविंस नोवा स्कोशिया के, उसमें भी एक छोटे से गांव में जिसके आसपास कुछ ज्यादा खास है नहीं। हाँ था जरूर, आपने प्लाजा वगैरह देख लिया,
लेकिन अगर किसी के पास फुल अर्निंग वाली जॉब है ना, अच्छी अर्निंग वाली, फिर भी यहाँ वहां पर घर लेने का फायदा है। लेकिन मैं हैरान रह गया, इतना लो प्राइस देकर $2.5 लाख है ना कनाडा के हिसाब से, कनाडा में $2.5 लाख, या जिस घर में अभी बैठा हुआ हूँ ना, ये वाला घर $2.5 लाख का है, इसके हिसाब से भी वो वाला घर बहुत ज्यादा सस्ता है। अपने गांव देख लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा वो, लेकिन वहां पर बसेस नहीं चलती, एक भी बस नहीं चलती थी वहां पर, बाकी छोटा सा गांव था, आपने देख लिया, बाकी हम किसी और दिन किसी और गांव में जाकर घूमेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी। ये देखो मैंने आपको कहा था ना मेरे बाल बड़े हो गए, ये देखो पौनी होने लगी पीछे तक कितनी बड़ी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी वीडियो। जो नए आए हैं मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर दिया करो, बहुत मोटिवेशन मिलती है, और बेल आइकन जरूर दबा देना। वो मैं कहता नहीं हूँ वीडियो में, लेकिन मैंने परसेंटेज चेक की कि सभी लोगों ने बेल आइकन नहीं दबाया हुआ है, बहुत कम है, इसलिए सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन होगा उसको दबा देना और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। मिलेंगे अगले व्लॉग में, देखते रहिए कंडा व्लॉग्स, स्टे होम स्टे सेफ, कीप वॉचिंग कंडा व्लॉग्स।